हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बायो क्लासेस। आज जो हम लोगों ने टॉपिक चुना है दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। आप जानते हैं ग्रीन प्लांट्स में, किसी भी प्लांट्स में लीव्स पर कुछ छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिसके थ्रू वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं और इन पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं। इन पोर्स को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ये स्टोमेटा वैसे डाइकॉट प्लांट में डॉर्सल साइड पर तो कम होते हैं, किंतु वेंट्रल साइड में, लेकिन वेंट्रल साइड में जो होता है वो इनकी नंबर्स मैक्सिमम होते हैं, यानी मैक्सिमम नंबर इनका वेंट्रल साइड में होता है। ये ऊपर हुआ डॉर्सल साइड और नीचे का पोर्शन हुआ वेंट्रल साइड। सपोज कीजिए ये लीफ है, लीफ का ये पोर्शन ऊपर वाला, ये डॉर्सल साइड है और नीचे वाला वेंट्रल साइड है। तो डॉर्सल साइड पे या तो नहीं होते कई प्लांट्स में, और या तो होते हैं तो उनके नंबर बहुत कम होते हैं, लेकिन वेंट्रल साइड में इनके नंबर्स मैक्सिमम होते हैं। ठीक, इन्हीं के थ्रू ये गैसियस एक्सचेंज करते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में आप जान लीजिए पहले। एज फार एज स्ट्रक्चर इज कंसर्न, स्टोमेटा पूरा एक सेट, ये पूरा का पूरा एक स्टोमेटा कहलाता है, जिसके की कई पार्ट्स हैं। इनके ओपनिंग को कहते हैं स्टोमा, जो ओपनिंग को दो तरफ से सराउंड करते हैं दो, वो गार्ड सेल कहलाते हैं। ये दोनों गार्ड सेल है, यहां पर ये दोनों गार्ड सेल है। गार्ड सेल में खास बात आपने पढ़ा भी है लास्ट ईयर 9th क्लास में, कि गार्ड सेल ही एपिडर्मिस की वो सेल होती है जिसपे की क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो दीज आर मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल में पाए जाते हैं, आसपास की सेल में नहीं होते, लगभग होते भी हैं तो उनका नंबर बहुत कम होता है। ठीक, तो गार्ड सेल पाए जाते हैं, गार्ड सेल में मैक्सिमम नंबर होता है क्लोरोप्लास्ट का। गार्ड सेल को जो सराउंड करने वाली चारों तरफ से सेल्स होती हैं उनको कहते हैं सब्सिडियरी सेल्स, सब्सिडियरी सेल। और इस पूरी ओपनिंग को कहते हैं स्टोमा, और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये स्टोमा सब्सिडियरी सेल प्लस गार्ड सेल मिलाकर ये स्टोमेटा कहलाते हैं। यहां पर ये ध्यान देने की बात है कि जो गार्ड सेल है उसकी जो इनर वॉल है वो बहुत थिक होती है, थिक वॉल्ड होती है। ये जो ब्लैक कलर से बना हुआ है तो ये थिक वॉल्ड होती है गार्ड सेल की, जो इनर वॉल होती है। और ये है ऑब्जर्व किया गया है कि ये डे टाइम में तो ओपन रहते हैं इनके जो पोर्स हैं, या स्टोमा है जिसको कहते हैं, और नाइट टाइम में ये क्लोज्ड होते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है और स्टोमेटा के फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस स्टोमेटा के कई हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है वो है ट्रांसपिरेशन। आप जानते हैं इसमें वाटर लॉस होता है थ्रू प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और अगर ये वाटर वेपर का वाटर का लॉस नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन पुल नहीं बनेगा, और ट्रांसपिरेशन पुल नहीं बनेगा तो जाइलम में टिप तक वाटर पहुंचेगा कैसे? ट्रांसपिरेशन पुल नहीं बनेगा और वाटर का एसेंट नहीं होगा। ठीक, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट करने के लिए और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के लिए। दूसरा, इसके अलावा इसका जो मेन फंक्शन है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फोटोसिंथेसिस में इनको रिक्वायर्ड होती है प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू ही वो
ग्लूकोज का मैन्युफैक्चरिंग होती है, सिंथेसिस होती है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज की सिंथेसिस वाई इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के इनटेक इनके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो ऑक्सीजन बनती है उसका आउटगोइंग भी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करना और ऑक्सीजन का बाहर निकालना, ये दोनों प्रोसेस भी किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के ही थ्रू। तो टाइम टू टाइम स्टोमेटा का खुलना और बंद होना बहुत मस्ट है। ठीक। डाइकॉट प्लांट में, यहां पर एक चीज और ध्यान देने की बात है, डाइकॉट प्लांट में तो स्टोमेटा डॉर्सल सरफेस पे कम या ना के बराबर होते हैं और वेंट्रल सरफेस पे मैक्सिमम का नंबर होता है। लेकिन इन मोनोक्रॉट प्लांट्स में इनका जो इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी अपर साइड में डॉर्सल साइड में भी और वेंट्रल साइड में भी लगभग उनके नंबर्स सेम होते हैं। ठीक। तो ये हुआ स्टोमेटा के बारे में और इसके फंक्शंस के बारे में। अब ये खुलते कैसे हैं और बंद कैसे होते हैं, इनके पीछे रीजन क्या है, दो तीन थ्योरी दी गई। पहली जो थ्योरी है मेन, जो सबसे ओल्ड थ्योरी है, जो पहले तो बहुत ही वेल एक्सेप्टेड थी, और वो थी सुगर कंसंट्रेशन थ्योरी। व्हाट इज दिस सुगर कंसंट्रेशन थ्योरी, इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि ये डे टाइम में खुलता क्यों है और नाइट टाइम में बंद क्यों होता है। तो डे टाइम में होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है, फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस के अंत में क्या बनता है, ग्लूकोज C6H12O6। अब फोटोसिंथेसिस होगा कहां, फोटोसिंथेसिस होगा गार्ड सेल्स में, क्योंकि यहां गार्ड सेल में मैक्सिमम अमाउंट में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा तो गार्ड सेल की जो है वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। हमने बताया था आपको कि अगर शुगर सॉल्यूशन है तो शुगर का सॉल्यूशन एक तरह से बन गया, ठीक, तो शुगर का सॉल्यूशन बन गया तो ये हाइपरटोनिक हो गया, हाइपरटोनिक हो गया तो आसपास की जो सब्सिडरी सेल हैं वो इसके कंपल्सन में क्या हो गई, ये तो हो गया गार्ड सेल, अब सब्सिडियरी सेल क्या हो जाएंगी, हाइपोटोनिक हो जाएंगी इसके कंपेयर में, सब्सिडियरी सेल। तो सब्सिडियरी सेल से वाटर जो है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोस्मोसिस इसके अंदर एंटर करने लगेगा। ठीक। अब इसमें हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की ओर मूवमेंट ऑफ वाटर हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा कि गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगी, टर्जिड हो जाएंगी, टर्जिड हो जाएंगी, टर्जिड मींस उनके अंदर वाटर बहुत ज्यादा हो जाए और वो स्वेल हो जाए, और जो मैक्सिमम स्टेज होती है उनकी वो टर्जिडिटी कहलाती है, टर्जिड कंडीशन। ठीक। तो टर्जिड हो गई है, यहां पर गार्ड सेल्स टर्जिड हो गई है तो उसके अंदर मूवमेंट ऑफ वाटर बढ़ जाएगा और ये टर्जिड हो जाएंगी तो फैलने की कोशिश करेंगी, और फैलने की कोशिश, चूंकि इनका शेप जो है बीन शेप है, इनका शेप जो है वो एक बीन के शेप का है, सेम के बीच की तरह, तो ये अगर टर्जिड भी होंगी तो ये फैलेंगी तो नहीं, चूंकि इनर वॉल इनकी थिक है तो टर्जिड होकर ये क्लोजिंग को, ओपनिंग को, स्टोमा को खोल देंगी और इस तरह से स्टोमेटा ओपन हो जाएगा ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक।
एक बार फिर से समझ लीजिए, इन डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनने से गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगी, हाइपरटोनिक हो जाएंगी तो इसके कंपेयर में सब्सिडियरी सेल्स हाइपोटोनिक हो जाएंगी, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की ओर मूवमेंट ऑफ वाटर होता है इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस गार्ड सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल की होने लगेगी वाटर का मूवमेंट, और ये टर्जिड हो जाएंगी, टर्जिड होके गार्ड सेल चूंकि बीन शेप की होती है तो ये फैल कर स्टोमा को खोल देंगी और इस तरह से पूरा स्टोमेटा ओपन हो जाएगा इन डे टाइम। अब इन ये क्लोज कैसे होते हैं, क्लोजिंग भी समझ लीजिए इन तीन, नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस होगी नहीं होगी, धीरे धीरे मूवमेंट ऑफ वाटर जब इक्वल होने लगेगा, इधर जो है वाटर ऑलरेडी मौजूद है, धीरे धीरे सब्सिडियरी सेल्स की जो टोनिसिटी है वो हाइपरटोनिक होने लगेगी और मूवमेंट ऑफ वाटर बाहर की ओर जाने लगेगा और धीरे धीरे वो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, यानी फोटोसिंथेसिस ही मेन बेसिस है। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होती है इसलिए ओपन हो जाता है, लेकिन नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होती इसलिए क्लोज हो जाता है। लेकिन ये थ्योरी बाद में चलकर बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड इसलिए हुई नहीं हुई क्योंकि यहां पर वो रीजन नहीं बता पा रहा है ठीक से कि क्यों क्लोज होता है, क्योंकि यहां पर तो ठीक है कि क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है और यहाँ फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुई, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो वाटर मूवमेंट क्यों बाहर चला गया, इसलिए इसके बाद में दूसरी थ्योरी दी गई। और दूसरी थ्योरी ये दी गई पोटेशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी, जो कि अब तक मान्य है। इसमें क्या होता है कि डे टाइम में सनलाइट के प्रेजेंस में जो स्टार्च बने हुए हैं सेल्स के अंदर, वो स्टार्च मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे इनको जरा डिटेल में कि स्टार्च जो है मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर मैलिक एसिड टूट जाता है मैलेट में और हाइड्रोजन आयन में, थर्ड स्टेप में एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन बिटवीन गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल होता है। जो हाइड्रोजन आयन यहां बने हैं गार्ड सेल में वो सब्सिडियरी सेल में चले जाएंगे और सब्सिडियरी सेल में जो बने हुए पोटेशियम आयन है वो अंदर आ जाएंगे गार्ड सेल में। अब जो गार्ड सेल में मैलेट मौजूद था वो पोटेशियम आयन से रिएक्ट करता है और पोटेशियम मैलेट बना देता है। अब ये पोटेशियम मैलेट की प्रेजेंस में ये एक तरह से हाइपरटोनिक हो जाएगा और इसकी प्रेजेंस में फिर उसी तरह से मूवमेंट ऑफ वाटर हो जाएगा गार्ड सेल के अंदर में और ये टर्जिड हो जाएगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। ठीक, अब क्लोजिंग का क्या रीजन है, नाइट टाइम में पोटेशियम मैलेट जो बना था वो डिसोसिएट हो जाता है फिर पोटेशियम में और मैलिक एसिड में और फिर इसी तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, आयंस होता है सब्सिडियरी सेल और गार्ड सेल में और फिर से यहां पर हाइड्रोजन आयन अंडर आ जाएगा और पोटेशियम आयन सब्सिडियरी सेल में चला जाएगा तो वाटर क्या होगा वो मूव कर जाएगा बाहर की ओर और स्टोमेटा फ्लैसिडिटी की वजह से क्लोज हो जाएंगे। फ्लैसिड कंडीशन वो कहते हैं जो सेल अपनी वाटर को लॉस कर दे और पिचक जाए, दैट कंडीशन इज नोन एज फ्लैसिड। तो फ्लैसिडिटी की वजह से ये क्लोज हो जाते हैं। तो ये आपके अभी तक के लेवल के लिए इतना जानना काफी है कि क्यों स्टोमेटा ओपन होते हैं और कैसे स्टोमेटा क्लोज होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।